आज आप हिलसा ग्राम के अंदर घूम रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से जी यहाँ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मीरा यादव के लिए वोट मांगने आया हूँ जी। और मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ। हमारी इच्छा यही है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट मीरा यादव को अधिक वोट मिले और यहाँ का एक रिकॉर्ड बनाने भारी मतों विजयी हों। जहाँ तक मैंने महसूस किया है इस क्षेत्र में मीरा जी और दीपक जी ने जो काम किया है, जनता उनसे पूरी तरीके से प्रभावित है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे वोटों से वो जीतेंगी, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर निवाड़ी के अंदर देखा जाए सबसे बड़ी समस्या किसानों की एवं बच्चों की शिक्षा को लेकर है। मैंने स्वयं महसूस किया है गाँव गाँव जा करके शिक्षा का अभाव है और उसके लिए प्रयास होना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से प्रयास करूँगा शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए ताकि मध्य प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है वो शिक्षा में आगे आवे, ऐसा मेरा प्रयास होगा और इस मामले को मैं पार्लियामेंट में उठाने का प्रयास करूँगा। अभी तक सर कितने ग्राम के अंदर आप लोग होके आए हो? हम लोग कम से कम 15 से ज़्यादा ग्राम के अंदर होके आए। क्या मैसेज मिला आपको, कैसा ग्राम के अंदर देखने को मिला? सड़कें आपको मिली होंगी, पानी की समस्याएं मिली होंगी, लाइट की समस्या मिली होगी, कैसा? नहीं देखिए, जहाँ तक मीरा जी ने और दीपक जी ने जहाँ तक काम किया है वो काम उनका काफ़ी आधे तक का है, लेकिन वर्तमान में उस हिसाब से काम नहीं हुए जो मौजूदा थे और आगे अवसर मिलेगा जैसा सांसद जी ने कहा तो केंद्र सरकार की मदद से यहाँ का विकास किया जाए। सर आप लोग ग्राम के अंदर घूम रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? हम तो जहाँ भी घूम रहे हैं देख रहे हैं यहाँ के लोग, वहाँ कह रहे हैं सभी जितने यहाँ के सांसद विधायक यहाँ पे कभी अपने इलाके में नहीं आए, जितनी मदद यहाँ के यानी कि दीपक मीरा यादव जी ने की है इतनी मदद उन्होंने भी नहीं की। कैमरामैन रोहित के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता मार्केट संवाद, निवाड़ी।